हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएचएल के मेडिकल प्रोसेस के बारे में। आज सुबह मेरा सीएचएल का मेडिकल था आरएमएल हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। तो जो मेरा मेडिकल प्रोसेस रहा सीएचएल का, उसको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या टेस्ट हुए, आंखों का टेस्ट हुआ, कान का क्या टेस्ट हुआ, जितने भी टेस्ट हुए एक्सरसाइज, वो सारे आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमने चश्मा लगाते हैं अगर हम, तो वो अलाउड होगा या नहीं होगा, क्या क्या चीजें वहां पर अलाउड होती हैं, क्या क्या चीजें मेडिकल में नहीं अलाउड होती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहले जुड़े हुए हैं तो आप मुझे जानते होंगे, वरना मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं सीएसएल 2021 से एलडीसी इन ईडी पोस्ट पर सिलेक्टेड हूं। ईडी आप जानते होंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वहां पर मैं लोअर डिविजनल क्लर्क के रूप में सिलेक्टेड हुआ हूं। उसी का मेडिकल का प्रोसेस मैं आज करवा के आऊँ आरएमएल हॉस्पिटल में। तो जो भी मेरा पूरा प्रोसेस था वो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। पहले तो देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट में गया था, ईडी डिपार्टमेंट में, वहां से मैं ये फॉर्म लेकर आया था। ये मेडिकल लेटर है, इसी मेडिकल लेटर को मुझे हॉस्पिटल में दिखाना था जब जाके मेरा मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट होता, ठीक है। एक कैंडिडेट मेरे साथ और थे, वो एनआईए में एलडीसी सिलेक्टेड हुए हैं। एनआईए आप जानते होंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको जो उनका मेडिकल लेटर है वो पोस्ट के थ्रू मिला था, घर पर पोस्ट आया था, जबकि ईडी वालों को अपना जो लेटर था मेडिकल का वो अपने डिपार्टमेंट में जाकर रिसीव करना था। तो किसी भी तरीके से आपको ये लेटर मिल जाएगा। इस लेटर को लेकर आपको आरएमएल हॉस्पिटल में जाना था हमें। वहां पर जाकर मैंने पहले डेट ली मेडिकल करवाने की, 13 तारीख को ये मुझे मिला था। 13 तारीख को मैं आरएमएल हॉस्पिटल गया, उन्होंने मुझे 15 तारीख की मेडिकल की डेट दी। 15 तारीख को मैं सुबह खाली पेट मेडिकल करवाने वहां पे गया। वहां पर ऐसी इंस्ट्रक्शन कभी कभी नहीं मिलती है कि आपको खाली पेट आना है या फिर कुछ खा के आना है। आप मेक श्योर करिए कि आप जब भी जाएं मेडिकल करवाने किसी भी एग्जाम का, तो आप बिना खाए कुछ जाएं, क्योंकि ब्लड शुगर टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, वो बिना खाए पिए ही होता है, ठीक है, तभी वो करेक्ट आएगा, वरना आप रिजेक्ट हो सकते हैं। रिजेक्ट तो नहीं होंगे, आपको एक और दिन वहां पर देना पड़ेगा अपना, फिर से वो टेस्ट आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट जो होता है वो बिना कुछ खाए पिए होता है, तो कुछ भी खाए पिए नहीं जाना था। 15 तारीख को मैं सुबह वहां पे गया आज सुबह, और वहां पे जो पहला टेस्ट हुआ वो हुआ यूरिन टेस्ट, ठीक है। वहां पर कुछ बेसिक पेपर वर्क करवाया गया मुझसे, मतलब मम्मी का नाम, पापा का नाम, भाई का नाम, वो क्या काम करते हैं, कितनी एज है उनकी, मेडिकल फिट है फिर नहीं है, और जो मेरी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल मुझसे ली गई, और यूरिन टेस्ट का सैंपल वहां पे लेने को मुझे दिया गया, वो हुआ मेरा। उसके बाद एक रूम था सामने, वहां पे मुझे ले जाया गया। वहां पर मेरा जो टेस्ट हुए, जो मेन टेस्ट है मैं बताता हूँ आपको। पहला टेस्ट हुआ मेरा आंखों का। आंखों में क्या टेस्ट हुआ, पास में एक बुक लाई गई, उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे थे, वो पढ़ के बताता हूँ। मतलब नियर विजन टेस्ट, पास की जो हमारी नजर है उसका टेस्ट हुआ, एक चश्मा लगा के टेस्ट हुआ, चश्मा उतार के टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद दूर की जो हमारी नजर है उसका टेस्ट हुआ, फार विजन टेस्ट, उसमें एक आंख को ढक के आपको पढ़ना था, दूर के जो अक्षर थे वो पढ़ने थे। चश्मा लगाकर आपको पढ़ना है, चश्मा नहीं उतारना है। चश्मा लगाकर आपकी आंखें 6x6 होनी चाहिए, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो आपको एने बताता हूँ। अगर आपकी आंखें पूरी करेक्ट नहीं है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी इलाज मैं आपको एने बताऊंगा वीडियो का, आप एंड तक देखिए। तो ये टेस्ट हुआ, उन्होंने क्या करा कि चश्मा लगाकर मेरी आंखें 6x6 होनी चाहिए, ये वो लोग वहां पर देख रहे थे, जो वहां पर मेरे डिपार्टमेंट में लोग बैठ के मेडिकल कर रहे थे। तो क्या क्या टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गया, और आंखों के दो टेस्ट हो गए, पास वाली नजर और दूर वाली नजर का टेस्ट। उसके बाद थर्ड टेस्ट होता है बीपी का। बीपी यहीं पे सीधा बात करें, पट्टा सा बांध देते हैं, और बीपी का टेस्ट हो गया अपना सिंपल। बीपी के बाद मेरा नेक्स्ट जो टेस्ट हुआ वो हुआ कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता ही है, एक बुक होती है इशारा बुक जिसे कहते हैं, इसमें 38 प्लेट्स होती हैं, इन्हें पढ़ाया जाता है आपको, आपको बताना होता है कौन सा नंबर इसमें लिखा हुआ है, 38, 97, 45 इस टाइप का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आप कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे लिखेगा इशारा टेस्ट, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा, वरना मुझे बता दीजिएगा, मेरे पे बुक है, मैं इस बुक का एक आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कलर ब्लाइंड हैं या फिर नहीं है। तो ईडी डिपार्टमेंट में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट अलाउड थे, तब भी ये टेस्ट हमारा लिया गया, क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड था आरएमएल का, वो एक बेसिक टेस्ट ले रहा था, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स का एक जैसा टेस्ट वहां पे लिया जा रहा था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने वो बुक रीड कर दी, वो टेस्ट हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 5 टेस्ट हो गए अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट हाइट और वेट, सिंपल, कोई कैटेगरी नहीं है यहाँ पे कि इतनी हाइट होनी चाहिए आपकी या इतना वेट आपको होना चाहिए, बट बेसिकली उन्होंने एक रिकॉर्ड रखने के लिए हाइट और वेट मेजरमेंट भी अपना कर लिया वहां पर। और उसके बाद उस रूम से हम बाहर आ गए, जो मेडिकल टेस्ट थे वो यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद हमें लगा कि एक्सरे वगैरह कराया जाएगा, फिर ECG करवाया जाएगा, या नोज वगैरह देख लेंगे, थोड़ा बहुत साइनस वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, या कुछ भी बोलते हैं उसे, या कानों का थोड़ा बहुत चेकअप होगा, बट ये सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट पार्ट चेक करे। प्राइवेट पार्ट में आपको पता ही है, ठीक है, वुमेन्स के भी चेक होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के भी, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर। हमारे सिंपल जो मेल डॉक्टर से उन्होंने प्राइवेट पार्ट चेक करे, मतलब बहुत ज्यादा थोरोली चेक नहीं करे, जैसे मैंने एयरफोर्स का मेडिकल दिया है पहले, और रेलवे का मेडिकल भी देके आ चुका हूं मैं, वहां पे थोरोली चेक होते हैं प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, अच्छे से, बट ऐसे इतने अच्छे से चेक नहीं करे, ऐसे ही मतलब सिंपल पूछ गया उन्होंने, हाँ कपड़े आपके हटवाए थे, बट ऐसे इतना थोरोली चेक नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगा कि एलडीसी की पोस्ट के लिए जो ये टेस्ट हो रहा है ये कुछ ज्यादा ही
डीप में हो गया है ना, मतलब इतना नहीं होना चाहिए था बट ऐसा हुआ, उन्होंने वहां पे कराया गया। तो ये सारे टेस्ट हुए, इसके अलावा कोई भी टेस्ट वहां पर नहीं हुआ, ना एक्सरे हुआ, ना ईसीजी हुआ, ना ही कोई ब्लड टेस्ट करवाया गया, ब्लड टेस्ट भी कोई नहीं हुआ। तो मेडिकल को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, वो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। आपको टेंशन लेनी है अपने मार्क्स को लेकर, आपको जो टीयर वन होगा टीयर टू होगा उनके जो मार्क्स है आपके, उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट आप कहां से देंगे? टेस्ट बुक ऐप का पास आपको परचेस कर लेना है, वहां पर आपको एसएससी एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो या रेलवे का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे टेस्ट बुक ऐप पर। इनका एक पास आता है पूरे साल का, 269 का आपको पास पड़ेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञान GYAN। इससे आप सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर पेपर, फुल मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट एक ही जगह पर टेस्ट बुक ऐप पर दे सकते हैं। यहां पर आपको एकदम एग्जाम लाइक फील आ जाएगी कि एग्जाम में आपको ऑनलाइन पेपर कैसे देना है, उसकी हैबिट भी आपको लग जाएगी। तो आपको टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसका पास परचेस कर लेना और डेली मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, उसको एनालिसिस करना है कि क्या अभी भी गलतियां आ रही है, नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कौन से पॉइंट्स वीक है, कहां पर मैंने रिवीजन नहीं करी, कहां पर मुझसे सिली मिस्टेक्स हो रही है, उन सबको ध्यान में रखें और इंप्रूव करते रहे मार्क्स को। जैसा मैंने आपको बताया, मेडिकल को लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है, 99.99% लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। जितने भी टेस्ट हुए मैंने आपको बता दिया है, बाकी हर इंसान का जो मेडिकल का एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है। कहीं जगह पर क्या होता है, सिर्फ कुछ पैसे दिए और मेडिकल टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे एक कैंडिडेट से जिनको मैं जानता हूं, उनका यूडीसी एग्जाम था, ठीक है, अपर डिविजनल क्लर्क का मेडिकल था उनका। वहां पर उन्होंने बताया कि उनकी जगह पे जहां पे वो बिलोंग करते हैं जहां से, वहां पर सिर्फ 100-500 रुपए लेते हैं और मेडिकल में क्वालिफाई करा देते हैं, कोई भी टेस्ट नहीं होता। कहीं कहीं पर क्या होता है, लोग बताते हैं 5-5 दिन तक एलडीसी या फिर अपर डिविजनल क्लर्क का मेडिकल चलता रहता है लेकिन फेल नहीं किया जाता। क्या होता है, सारे टेस्ट किए जाते हैं, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और जितने भी टेस्ट है सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो हर इंसान का जो मेडिकल टेस्ट का एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट हो सकता है, बट इन द एंड जो मेन बात है, चाहे मेडिकल कैसा भी हो, कितना भी स्ट्रिक्ट ले, लेकिन पास आपको कर दिया जाएगा, क्योंकि एक फील्ड जॉब नहीं है ये, एक डेस्क जॉब है। आपको डेस्क पे बैठकर सिंपल अपना जो पीसी है आपका सिस्टम है उस पर काम करना है। तो यहाँ पे आपको कोई फिजिकल हेल्थ की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा कम सुनते हैं, आपको नाक में कुछ दिक्कत है, कान में आपका पर्दे में कुछ दिक्कत है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखिए पीडब्ल्यूडी का भी तो यहाँ पे कोटा है। कई लोगों के टांग नहीं होती या हाथ नहीं होते, वो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उनको भी तो एलिजिबल कर रखा है यहाँ पे। अगर उनको दिक्कत नहीं आती तो आपको भी वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी मेडिकल में। इसके लेकर आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई मेरा चश्मा इतना नंबर है, ठीक है, मेरे पैर में ये हो रखा है, सर्जरी हो रखी है, ये वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ एलिजिबल है। बस जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो फैलती है या फिर कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कभी सही नहीं हो सकती। यही तो कंडीशन है जहां पे आपको फेल किया जा सकता है, वरना ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको सीजीएल, सीएसएल या एमटीएस के मेडिकल में डिस्क्वालीफाई किया जाए, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको कुछ राहत मिली होगी कि मेडिकल के बारे में जो डाउट्स रहते हैं आपके वो क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो आज मेरा मेडिकल था एसएससी सीएसएल का, जो भी क्लियर हो चुका है, ये आपका सर्टिफिकेट। तो इस पूरी कथा का सार ये निकलता है कि एंड में जाकर मेडिकल हमारा ओवर हुआ, जो मैंने आपको टेस्ट बताया 6 सिर्फ यही टेस्ट हुए। इनके बाद लगभग 4-4:30 बजे मेडिकल प्रोसेस खत्म हुआ और ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है एकदम कॉल लेटर जैसा लग रहा है, ये मुझको दिया गया, ये मुझको अपने हेडक्वार्टर में जाके सबमिट करना था। ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो ऑफिस था वो लगभग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर दूर था, वहां पर जाकर ये जो सर्टिफिकेट है मुझे सबमिट करना था। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को दिया गया जो कि फिट थे मेडिकली, जो मेडिकली अनफिट थे उन्हें कल दोबारा बुलाया गया ताकि उनका दोबारा टेस्ट हो सके और उन्हें क्वालिफाई करके ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये पूरा प्रोसेस था।